रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 12 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 13 बनानी शुरू करेंगे। ये हमारा किनारे का फंदा, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस बार हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। तीन फंदे बनाकर अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए सेंटर के हमारे तीन फंदे, एक दो तीन। फिर सिलाई पर जाली डालते हुए पहले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब इन सेंटर के तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा हमको बनाना है और दो फंदे हम पलट देंगे। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाले डालते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए पहले हम सेंटर तक बना लें। पहले हम सेंटर तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर डिजाइन बनाने के बाद हम सेंटर पहले अपनी जाली डाल लेंगे और ये जाली हमारी नॉर्मल बनेगी। यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। ये हमने सेंटर के तीन फंदे जो पांच बन गए, इसके बाद यहाँ से हम जाली डालते हुए पहले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और इन तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फिर से तीन फंदे, एक दो तीन। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे और इसी तरह डिजाइन बनाते हुए पहले हम अपनी इस टिप्पी तक बना लें, फिर इधर का डिजाइन हम आपके सामने बनाएंगे। इस डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद तीन फंदे हमने बना लिए। धागा अपनी ओर करके पहले हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। फिर से धागा अपनी ओर करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और ये इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये हमारा किनारे का फंदा। इसके ऊपर हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 बना लें, फिर सीधी साइड से रो नंबर 15 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 14 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 15 बना रहे हैं। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है, पहले की तरह दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे, एक दो। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। फिर से धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए दो फंदे सीधे,
और इन तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा। दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। फिर से धागा अपनी ओर करके दो फंदे सीधे, एक दो और तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और दो फंदे सीधे। जाली डालते हुए फिर से हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहले हम हाफ तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सेंटर तक हमने बना लिया। यहां पर हम जाली डालते हुए नेक्स्ट जाली तक हमारे पास जितने भी फंदे होंगे, इस बार तीन है, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। यहां से फिर से जाली डालते हुए ये सेंटर का फंदा, जाली डालते हुए पहले हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। अब हमारा इस तरफ का डिजाइन शुरू हो गया है। जाली डालते हुए दो फंदे सीधे, एक दो और इन फंदों का इकट्ठा एक फंदा। दो फंदे सीधे, जाली डालते हुए पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपनी लास्ट पेटल तक बना लूं, फिर हम आखिर का डिजाइन आपके सामने बनाएंगे। ये डिजाइन यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर जाली डालते हुए पहले सेंटर के पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच। फिर से जाली डालते हुए पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये हमारा किनारे का बिल्कुल डिजाइन वैसे आएगा जैसे हमने इधर से शुरू किया था, दो फंदों का एक फंदा और दो फंदे और जाली। इस साइड भी सेम डिजाइन है, दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे जाली, दो फंदे और इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पर पांच फंदे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों ओर डिजाइन बराबर आएगा। अब मैं इसके ऊपर अपने डिजाइन की रो नंबर 16 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम सीधी साइड से अपनी डिजाइन की रो नंबर 17 बनाएंगे। पहले की तरह दो फंदों का एक फंदा। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए इस बार हमारे पास सिलाई में सात फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच। पांच छः सात, धागा अपनी ओर करके एक फंदा सीधा जाली डालते हुए तीन फंदों का पहले हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए सेंटर के सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात। फिर से धागा अपनी ओर करके सेंटर की पत्ती हमारी लीफ,
एक फंदा सीधा। इसके ऊपर फिर से अपनी सिलाई पर जाले डालते हुए पहले हम 9 फंदे बनाएंगे और फिर इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहले हम सेंटर तक बनाएंगे। इस टिप्पी तक बनाने के बाद, पेटल तक बनाने के बाद अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सेंटर के फंदे तक जितने हमारे पास फंदे हैं सारे हम सीधे बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए आगे वाली जाली तक हमारे पास जितने फंदे हैं 5 फंदे हैं, 5 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए उसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। सिलाई पर धागा लपेटते हुए सेंटर के 7 फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए पहले हम अपनी सिलाई यहां तक बना लें, इस डिजाइन तक बना लें, फिर ये डिजाइन हम आपके सामने बनाएंगे। यहां तक हमने बना लिया। इसके ऊपर जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, ये हमारा किनारे का फंदा। इसके ऊपर हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 18 बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 18 कंप्लीट कर ली है। अब सीधी साइड से रो नंबर 19 बनाएंगे। पहला फंदा किनारे का, हमेशा की तरह 2 फंदों का पहले हम 1 फंदा बना लेंगे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए सेंटर के 9 फंदे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर से अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 3 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा बना लेंगे। फिर से अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 9 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए हम इन 3 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा बना लेंगे। फिर से अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 9 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम सेंटर तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां तक हमने बना लिया। इसके बाद अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए आगे वाली सिलाई तक जितने फंदे हैं सारे हम सीधे बना लेंगे। सेंटर
सात फंदे हैं। यहाँ पर हम जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ से जाली डालते हुए आगे वाली जाली तक हमारे पास सात फंदे हैं। सात फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होगा। जाली डालते हुए पहले हम तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। जाली डालते हुए नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। जाली डालते हुए तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा। जाली डालते हुए नौ फंदे सीधे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी इस लीफ तक बनाएंगे। ये डिजाइन हम आपके सामने बनाएंगे। इस डिब्बे तक हमने बना लिया। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए इस बार हम दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। ये हमारा किनारे का फंदा। इसके ऊपर अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की आखिरी सिलाई रो नंबर 20 बनाएंगे। तो पहले हम रो नंबर 20 बना लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हम आठ सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर और गले पर बनाई है। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि सेंटर से हम अपने फंदे लगातार दोनों साइड से बढ़ाते हुए पहले हम आठ सिलाई सीधी सीधी बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपना बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद आठ सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से एक एक करके अपने सारे फंदे बंद करेंगे। फंदे आपको जैसे भी बंद करने आते हों आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदों को बंद करती हूँ। एक फंदा बना लेंगे, पीछे का एक फंदा हम पलट देंगे। इसी तरह से फंदे बंद करते हुए पहले हम सेंटर तक आधे फंदे ये सेंटर तक हम अपने फंदे बंद करेंगे यहां तक। तो पहले मैं यहां तक अपने फंदे बंद कर लेती हूं, फिर हम इसके बीच में सेंटर का फंदा कैसे बंद करेंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहां पर हमने बिल्कुल सेंटर तक बना लिया है। यहां भी हम अपने एक जाली डालकर ही अपने फंदों को बंद करेंगे। एक फंदा अपनी सिलाई पर लेकर हम पहले की तरह अपने फंदों को बंद करेंगे। यहां से फिर से हम जाली डालते हुए अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। आखिरी फंदे को हम खींच देंगे।
अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखेंगे, सिलाई हम इस साइड से भी शुरू करके आधे तक लाएंगे और इस साइड से भी शुरू करके हम आधे तक लाएंगे, क्योंकि सिलते समय हमेशा ही एक साइड थोड़ी सी ऊंची और नीचे जरूर होती है, ताकि ऊपर नीचे दोनों साइड बराबर हो, इसलिए दोनों साइड से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले मैंने सीधी साइड को आपस में मिलाया है, पहले हम किनारे को पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद दोनों साइड खोल देंगे और इस तरीके से एक साइड से हम सुई को अपनी सीधी साइड कर लेंगे। अब यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से हम सिलाई करेंगे। एक बार एक साइड के दो धागे ले लेंगे और एक बार हम एक साइड के दो धागे ले लेंगे। फिर से एक बार एक साइड के दो धागे और एक बार एक साइड से दो धागे लेकर पहले हम लगभग आधे तक सिलाई कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर दूसरी साइड से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने एक साइड से सिलाई कर ली है, अब हम ऊपर से भी इसकी सिलाई करते हुए नीचे लेकर आएंगे। सिलाई हम बिल्कुल पहले की तरह ही हमको करनी है। रॉन्ग साइड से पहले हमने पक्का किया है, अब हम खोलने के बाद इसको बस बिल्कुल सिंपल तरीका है, दो धागे इधर से और दो धागे हम इधर से लेते हुए पहले हम सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम रॉन्ग साइड से इसको पक्का करके धागे को काट देंगे। एक बार पोंचू बनकर पूरा तैयार हो गया है, अब हम इसमें डोरी डालेंगे। पोंचू के लिए हमने अपनी डोरी की लंबाई 28.5-29 इंच के करीब बनाई है। पूरा पोंचू बनने के बाद अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी डालने के लिए चार जाली हैं एक साइड में। इसी तरह से हम पहले तीनों साइड में डोरी डालेंगे। हमने डोरी की जाली इस तरीके से सेट करी है, हर साइड से हमारी डोरी बराबर ही आएगी। डोरी डालने के बाद अब हम इस धागे को अच्छे से खींच कर अपने दूसरे फ्लावर से
इस तरह से हम इसको पक्का करते हैं। और इन दोनों धागों को चाहे सुई से आप अंदर कर लीजिए, चाहे क्रोशिए से अंदर कर लीजिए, जिस तरीके से आपको ठीक लगे, आसान लगे, आप उसी तरीके से धागों को अंदर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से धागे अंदर करने बता दिए हैं। एक बार पोंचू पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें हम क्रोशिए से बॉर्डर बनाएंगे। क्रोशिए से बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ज्योति का क्रोशिया 4 नंबर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी ऊन के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी क्रोशिए से हल्की सी बाउंड्री कर देंगे। एक 2, 3, 4 यहां पर हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 डबल क्रोशेट बनाकर 1, 2, 3, 4 यहां पर हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 8 1, 2, 3, 4 यहां पर हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे और फिर से नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 यहां पर 8 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम आधे तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां पर हमने सेंटर तक बना लिया है। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल बराबर आएगा। यहां से 1, 2, 3, 4 फिर से हम पहले की तरह 8 डबल क्रोशेट बनाते हुए अपने डिजाइन को आखिरी तक कंप्लीट करेंगे। यहां पर इस तरीके का किनारा बनेगा और अब हम इसी तरीके से बनाते हुए पहले अपना सारा राउंड कंप्लीट करेंगे।
पार्ट थ्री में हमने अपना सारा पोंचू बनाकर कंप्लीट कर लिया है। गले की डोरी से लेकर नीचे कट वर्क तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। पार्ट थ्री में हमने अपना पोंचू बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डोरी और इसका फुल क्रोशे से बनाने का वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दे ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।